नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर में टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। एक नजर आज की अहम खबरों पर। खदेड़े जाने के बाद चीन ने भारत पर मढ़ा दोष, कहा भारतीय सेना ने क्रॉस की थी LAC। राजा पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पवई उप जेल भेजा। नाराजगी की अटकलों के बीच नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बोले 2025 में तेजस्वी ही महागठबंधन का करेंगे नेतृत्व। राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने के लिए केरल की पिनरई सरकार तैयार, विधानसभा में पारित किया बिल। धन शोधन मामले में नवाब मलिक को झटका, जमानत अर्जी पर तत्काल सुनवाई से बम्बई हाईकोर्ट का इनकार। सेंसेक्स में 402 अंकों की उछाल, निफ्टी 18,600 के पार पहुंचकर बंद हुआ। विश्व के बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज से गायब हो गए ग्राहकों के 8,054 करोड़, जारी जांच। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई प्रियंका की बेटी, राजनीति में आने के लग रहे कयास। भिलाई स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत। IGI एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन, फ्लाइट टाइमिंग से लेकर होंगे बड़े बदलाव। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।